फर्रुखाबाद में महिला के साथ गैंगरेप की हुई वारदात। महिला शादी समारोह में खाना बनाकर जा रही थी घर वापस। महिला के साथ दो लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। महिला शादी समारोह में पूड़ी बेलने का काम करती है। गंभीर हालत में दोनों आरोपियों ने निजी चिकित्सालय में दुष्कर्म पीड़िता को भर्ती कराया। महिला को भर्ती कराकर हुए फरार। महिला को दो दिन बाद आया होश। महिला ने होश आने पर अपने पति को घटना की जानकारी दी। दुष्कर्म पीड़िता के पति ने थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र की घटना। घटना ये घटी जब हम आए थे कानन, हमको 1:30 बजे रात को खबर मिली कि कानन तुम्हारी औरत का एक्सीडेंट हो गया। हम सुबह आए 4 बजे, उस टाइम हम काम पे गए तो हमने पता नहीं कैसी क्या घटना। हम गाड़ी लेके अपनी 4 बजे आए, देखा हमने मेरी औरत दस्त बड़ी बुरी तरीके से। हमने डॉक्टर साहब से कहा, हमने डॉक्टर साहब इसे यहाँ कौन छोड़ गया? बोले ये बात हमें नहीं मालूम। तो हमने कहा बाहर जो कैमरे आपके लगे हैं उसमें फोटो वोटो तो होगी आपकी, वो जो छोड़ने आया। बोले वो दिखाएंगे तुम्हें बाद में, कोई बात नहीं। तो फिर ये बोले कि तुम ऐसा करो, इनका एक्सरे खिंचा लाओ, वो वाला सीटी स्क्रीन वाला। तो हम गए वहाँ एक्सरे खिंचाने, खिंचा के लाए। उनने वो रिपोर्ट भी हमें नहीं दी। और आज मेरी औरत को ने थोड़ा सा हल्का सा होश आया, उसने बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत काम हुआ। उसमें दो आदमी है थे। और फिर मेरे लड़के को हमने भेजा, हमने जाओ फ़ोन नंबर उनका नोट करो। मेरा लड़का गया था, फ़ोन नंबर नोट करके लाया। नोट करने के बाद वो पंडित जी जा बोले, जिनने अपने साले थे उनसे बोले, हमने अपने सालों को भेजा था। पंडित जी बोले कि हमने कानन जो है उन्हीं के साथ भेजा है अब। लेकिन जो है पंडित जी तो नहीं आए, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने हमसे बाद में कहा कि वो 3,000 रुपये जमा कर गए। हमें कौन बोले बत्ती वाले थे जो सरकारी बत्ती वाले, हमने सरकारी बत्ती वाले 3,000 रुपये क्यों जमा करेंगे आपके लिए? डॉक्टर साहब हमसे झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब कोई बात बता नहीं रहे हमको सही। तो औरत आपकी किस अवस्था में मिली है जी? कौन सी अवस्था में मिली है औरत? औरत हमें ये बिस्तर पे मिली जहाँ पे अभी लेटी है। आपको कैसा क्या लगता है? इसके साथ गलत काम हुआ। मेरी औरत ने हाथ पकड़ के बताया अभी इशारे में, वो बोल नहीं पा रही है, लेकिन हाँ उसने इशारे में जवाब तो बताई। आपने पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को सूचना दी है, पुलिस भी आ रही है। डॉक्टर साहब बोले आप गृह से डिस्चार्ज कर लो, हमें ठीक है, हमें पुलिस द्वारा करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम। आप अभी तक तो हमें गुमसुम तरीका से कानून रखे रहे, अब आप हमसे कह रहे डिस्चार्ज कर लो एकदम, कैसे कर लें हम बिना पुलिस द्वारा? नहीं करेंगे हम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।